भारतीय जनता युवा मोर्चा अकलतरा नगर मंडल द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का झूमा झपटी के बीच पुतला दहन। भारतीय जनता युवा मोर्चा अकलतरा नगर मंडल द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कवर्धा में हुई घटना के विरोध में अकलतरा के शास्त्री चौक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया गया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष कमल केडिया ने कहा कि कांग्रेस शासन आने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो कि निश्चित ही निंदनीय है। कवर्धा में हुए घटनाक्रम में राज्य सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। युवा मोर्चा जिला प्रशिक्षण प्रमुख पुरुषोत्तम नामदेव ने कहा कि एक ओर भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़िया सरकार होने का दावा करती है और वहीं दूसरी ओर बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं के साथ निरंतर खिलवाड़ करते हैं। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष पिंटू बरेट ने बताया कि प्रदेश शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर कवर्धा में हुई घटना के विरोध में भाजयुमो द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व मंत्री व स्थानीय विधायक मोहम्मद अकबर का पुतला दहन कर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। युवा मोर्चा नगर महामंत्री कान्हा अग्रवाल ने बताया कि हिंदुत्व भारत की आत्मा है, इसके साथ किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी साथी राज्य सरकार के हर जोर जुल्म का टक्कर करने को तैयार हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला उपाध्यक्ष उषा राठौर, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सत्यभामा वैष्णव, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल दुबे, मनोज राय, छोटे लाल यादव, किसान मोर्चा अध्यक्ष अवध चंद्रा, पार्षद सुरेश मिर्चन आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18, जांजगीर, चापा।